premiere and special episode of Jai Hind on India TV, जहां हम वेलकम और गुड बाय ज्यादा बोलेंगे. याद करेंगे 2013 को उसी तरह जैसा ये साल था. हैं? ना तेरा ना मेरा 2013. ये जो 2013 था वो तेरा था या मेरा था? भाई तेरा है ना मेरा है. सबका 2013 है. हर कोई देखे फेसबुक वॉल. दिल्ली में छा गई केजरीवाल. केजरीवाल ने वो झाड़ू मारी. दिल्ली से भागी शीला बेचारी. शिवम सरकार करे खुदाई. केंद्र सरकार की भद्द पिटाई. रुपए ने मारा ऐसा गोता. सीबीआई बन के रह गई तोता. लालू को हो गई भैया जेल. आसाराम मांगे भीख में बेल. आशा और साई की जोड़ी न्यारी. तंग हो गई सेविका सारी. संजू बाबा को मिले पेरोल. मान्यता की भी खुल गई पोल. मास्टर ब्लास्टर हुए रिटायर. यूपीए के निकले सारे टायर. यूपी में देखी दुर्गा की शक्ति. मुलायम करे वोटों की भक्ति. क्या करते वोटों के मारे टोपी टोपी खेले सारे. सल्लू भैया की गजब की चाल. 48 की उम्र में कुंवारा माल. आधी रोटी बनी पूरी रोटी. 12 में रोटी कभी 5 में बोटी. नारा गूंजा सहजादे सहजादे. तेजपाल को कोई लिफ्ट करा दे. अनशन करते फिर से अन्ना. राजी हो गए मुन्नी मुन्ना. राहुल बाबा रोते रह गए. प्यास की बोरी ढोते रह गए. ये पाल वो पाल. जोकपाल लोकपाल लोकपाल तेजपाल तेजपाल लोकपाल. डोंट माइंड नेवर माइंड. स्टेट ऑफ माइंड. स्टेट ऑफ माइंड नेवर माइंड. नेवर माइंड डोंट माइंड. 2013 कैसा साल बताता हूं मैं सारा हाल. इसका था या उसका था 2013 किसका था. एनीवे एक और साल खत्म हो गया. गिरते पड़ते हंसते रोते. यूपीए के पाप धोते. आपके जगते बीजेपी के सोते. और बस इतना ही समझ आया कि हम भी बड़े खुश होते अगर हम भी होते डेविड धवन के बेटे या नेहरू जी के नाती पोते. अब क्या करें टाइम ही ऐसा है. अब क्या करें टाइम ही ऐसा है कि अच्छा खासा आदमी या तो कायर बन रहा है या शायर. बस बस भैया बस इतनी भी तारीफ मत करो कि मैं भी खुद को सिब्बल साहब जैसा सीरियस पोएट मानने लगूं और पोएट्री की किताब छाप दूं. वैसे ये साल बड़ा अजीब रहा. और वैसे ये बात मैं हर साल बोलता हूं बट आई थिंक ये साल सचमुच काफी अजीब था. मतलब इतना अजीब था कि इससे पहले कि केजरीवाल इलेक्ट्रिसिटी बिल को 50% कम कर पाते कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को 60% कम कर दिया बिल लाकर. इससे पहले कि ये अजीब साल खत्म हो पाए एक अजीब घटना हुई. बीजेपी और कांग्रेस ने साथ मिलकर लोकपाल बिल पास किया. सबसे अजीब बात लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने एक पूरा दिन काम किया. इससे भी अजीब सुनिए दिल्ली में इलेक्शन जीतने के बाद किसी भी पार्टी ने सरकार बनाने की कोशिश नहीं की. और बोलो ऐसे तो हॉर्स ट्रेडिंग का प्रोफेशन ही बंद हो जाएगा यार. ये ऐसा साल था जिसमें एक तरफ मंदिर की स्टैम्पीड में लोग मर रहे थे दूसरी तरफ हम मार्स पे मिशन भेज रहे थे. एक तरफ बाबा लोग लड़कियों को रेप से बचने के उपाय बता रहे थे और दूसरी तरफ वही बाबा लोग खुद रेप केस में जेल जा रहे थे. एक तरफ सरकार हमारे ईमेल्स पढ़ रही थी. और दूसरी तरफ कॉल स्कैम में सरकार के ईमेल्स लीक हो रहे थे. एक तरफ बीसीसीआई चीफ खुद फिक्सिंग स्कैंडल में फंस रहे थे और दूसरी तरफ फिक्सिंग स्कैंडल की इंक्वायरी के इंचार्ज भी खुद ही थे. एक तरफ संजू बाबा जेल जा रहे थे तो दूसरी तरफ उनकी फिल्म पुलिसगिरी रिलीज हो रही थी जिसमें वो खुद पुलिसमैन बने थे. वैसे इस साल कितने सारे लोग जेल गए. मतलब संजू बाबा आसाराम बापू तरुण तेजपाल लालू यादव. सो बेसिकली अ वेरी गुड ईयर फॉर इंडियन जेल्स. ये बात और है कि संजू बाबा जेल को मेंस्ट्रुएशन पीरियड की तरह ट्रीट कर रहे हैं. महीने में सिर्फ एक बार 3 दिन के लिए जाते हैं. वैसे इस साल के कैरेक्टर्स की बात करें तो टाइम मैगजीन ने 2013 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर पोप फ्रांसिस को चुना है. मोदी फैंस ने इसे क्रिश्चियन कॉन्स्पिरेसी. सुनिए आगे सुनिए. कांग्रेस ने आरएसएस कॉन्स्पिरेसी और पाकिस्तान ने रॉ कॉन्स्पिरेसी और बाकी की दुनिया ने इसे अल्टीमेट चूतिया चॉइस कहा.
बट हमारे पास भी अपनी एक लिस्ट है गेम चेंजर्स ऑफ द ईयर की। हाँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस साल भर इतना गंद मचाया है कि बीएमसी भी इनके सामने कुछ नहीं है। हाँ, इतने रंग बदले जितने संजय लीला भंसाली की फिल्मों में भी नहीं होते, और हमारी लाइफ पे इतना इम्पैक्ट डाला है जितना सनी देओल की सिंह साहब द ग्रेट ने नॉर्वे की इकोनॉमी पे डाला है। सो प्रेजेंटिंग टॉप 5 पॉलिटिकल गेम चेंजर्स ऑफ 2013, नंबर 5। बट हमारे पास भी अपनी एक लिस्ट है गेम चेंजर्स ऑफ द ईयर की। हाँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस साल भर इतना गंद मचाया है कि बीएमसी भी इनके सामने कुछ नहीं है। हाँ, इतने रंग बदले जितने संजय लीला भंसाली की फिल्मों में भी नहीं होते, और हमारी लाइफ पे इतना इम्पैक्ट डाला है जितना सनी देओल की सिंह साहब द ग्रेट ने नॉर्वे की इकोनॉमी पे डाला हो। सो प्रेजेंटिंग टॉप 5 पॉलिटिकल गेम चेंजर्स ऑफ 2013, नंबर 5। मुलायम सिंह और अखिलेश यादव। 2012 में सीएम बनने के बाद अखिलेश ने बच्चों को जो फ्री लैपटॉप बांटे थे वो इस साल क्रैश होने शुरू हो चुके हैं। हाँ, अखिलेश और मुलायम की सरकार के लिए इससे बढ़िया मेटाफर मिलना मुश्किल है। मुलायम और अखिलेश ने यूपी का गेम ऐसा बदला कि लोग मायावती के जिन पार्क्स से नफरत करते थे ना, एसपी के गुंडों से बचने के लिए अब उन्हीं पार्क में छुपने लगे। ऑल्सो अखिलेश यादव के सारे इलेक्शन प्रॉमिसेस झूठे निकले, और साल खत्म होते होते उनकी शक्ल देखिए ऐसे हो गई है, अब बिल्कुल फेरी टेल के पिनोकियो जैसे, हर झूठ पे नाक लंबी हो रही है। उसने नौजवानों की मुजफ्फरनगर में पूरी व्यवस्था ठीक हो, शांति। ओके, बैक टू क्रैश। किया अखिलेश के बांटे हुए लैपटॉप तब क्रैश होने शुरू हुए जब बच्चों ने उस पे से मुलायम जी का वॉलपेपर हटा। एक्चुअली क्या है, वॉलपेपर हटा दी, बच्चों को पता चला कि अरे लैपटॉप नहीं है तो लकड़ी का फट्टा था। गेम चेंजर नंबर 4 ऑफ 2013, सलमान खुर्शीद। नाउ सलमान खुर्शीद टॉक्स लाइक सलमान खान ड्राइव्स, रास्ते में जो लॉजिक है उसे उड़ा दे। दिल्ली में इलेक्शन हारने के बाद, सॉरी, बुरी तरह हारने के बाद भी खुर्शीद साहब ने सबसे पहली बात ये बोली कि सोनिया सिर्फ राहुल की ही नहीं बल्कि हम सबकी माँ है, बल्कि वो पूरी इंडिया की माँ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर सोनिया पूरे इंडिया की माँ है तो वो पूरे इंडिया के माँ बहनों को महंगाई से मार क्यों रही है? और सेकेंडली, अगर सोनिया सच में मदर इंडिया है तो क्या आखिर वो नरगिस की मदर इंडिया जैसा कुछ करेगी? याद है, अरे वैसे नरगिस ने भी मदर इंडिया में अपने निकम में बेटे से पीछा छुड़ा लिया था। हाँ, छोड़कर चली गई थी जो खुद कांग्रेसी थे। आई थिंक इसमें सोनिया जी के लिए एक हिडन मैसेज है कि ऐसे बेटे से प्लीज पीछा छुड़ा। जाग रहा है। गेम चेंजर नंबर 3, राहुल गांधी। अब आप पूछेंगे राहुल गांधी ने कौन सा गेम चेंज किया? अरे वेल, पिछले साल तक तो वो पार्टी ऑफिस में बैठ के अपने फोन पे टेंपल रन खेलते थे, इस साल उन्होंने गेम चेंज करके कैंडी क्रश सागा खेलना शुरू किया है। मेजर गेम चेंज। गेम चेंजर नंबर 2 ऑफ 2013, नरेंद्र मोदी। मोदी जी ने इस साल सिर्फ गेम ही नहीं, इंडिया का एवरेज आईक्यू भी चेंज कर दिया। इस साल जैसे मोदी जी का सितारा ऊपर उठ गया, उनके सपोर्टर्स का एवरेज आईक्यू गिरता गया। साल खत्म होते होते हालत ऐसी हो गई कि एक एवरेज नमो सपोर्टर से बातचीत कुछ ऐसे होने लगी कि हेलो, क्या हाल है? नमो 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 नमो, क्या हुआ भाई? नमो 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 नमो, अच्छा ठीक है हम जाते हैं। नमो 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 नमो। और उसके बाद वहां कमेंट्स में मोदी टार्ड्स और राहुल टार्ड्स का झगड़ा शुरू, जैसे बरसात में हर वॉश बेसिन के नीचे वो फफूंद उग जाती है ना, वैसे ही इस साल हर जगह मोदी जी के फैंस उग रहे हैं। एक बंदे ने शुद्ध देसी रोमांस का पोस्टर डाला, दूसरे ने लिखा परिणीति हॉट लग रही है,
तीसरे ने कमेंट किया सुशांत सिंह उदास लग रहे हैं, चौथे ने लिखा यूपीए के स्कैम से उदास है, पांचवे ने लिख दिया मोदी जी आएंगे ना तो स्कैम्स खत्म, मोदी जी जिंदाबाद, और उसके बाद वहां कमेंट्स में मोदी फैंस और राहुल फैंस का झगड़ा शुरू हो गया। और इस झगड़े का सबसे बड़ा फायदा उठाया साल के सबसे बड़े गेम चेंजर ने, गेम चेंजर नंबर वन ऑफ 2013 अरविंद केजरीवाल। साल शुरू हुआ था तो सबको लगता था इनका और आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं हो सकता। शीला दीक्षित फेमसली कॉल देम गाजियाबाद के झाड़ू वाले आदमी। साल खत्म होते ही केजरीवाल ने उसी झाड़ू से कांग्रेस को ऐसा दर्द दिया कि आर्टिकल 377 फिर से लागू हो गया। पर अरविंद केजरीवाल ने सबसे बड़ा चेंज ये किया कि लोगों को विश्वास दिलाया कि बिना किसी एजेंडा के भी सिर्फ करप्शन करप्शन बोल के चुनाव जीता जा सकता है। अब बीजेपी देखिए इतने सालों तक मंदिर मंदिर बोलती रही, कांग्रेस कभी गरीबी कभी राहुल गांधी, कभी फिर से गरीबी कभी सोनिया गांधी, कभी फिर एक बार गरीबी कभी राहुल गांधी के होने वाले बच्चे की दुहाई देती रही। और केजरीवाल हैं रामलीला मैदान में जाके 15 दिन सुबह से शाम करप्शन है बोला, चुनाव जीत गए। देखा दिल्ली को तो ढीला, देखा भूखा प्यासा अन्ना, देखा आम आदमी का गाना, देखा यूपीए ने इंडिया को चीट किया तो सारी जनता बोली तू चुनाव लड़ जा। सुन मेरी बात तेरी बात, नोएडा गुड़गांव का लीड़ा झाड़ू लेके निकला तो आज ही दिल्ली मेरे साथ, चीला जी ने वालू में प्रवोक किया तो मैंने उसके मुंह पे जाके मारा मुक्का। So, अरविंद केजरीवाल was the real game changer, boss. सलाह। और इस चक्कर में सबसे बड़ा नुकसान होने वाला था अन्ना का। अन्ना was feeling like शशि कपूर ऑफ दीवार, है ना? केजरीवाल उनको बोल रहे थे आज तुम कहां रह गए और मैं कहां निकल गया। और फिर अन्ना ने दिखा दिया रैली गांव की असली सिद्धि, एक हफ्ते में लोकपाल पास करा दिया और गेम फिर एक बार चेंज हो गया। नया साल बराबरी पे शुरू होगा, लव ऑल बोलो। और बाकी अभी साल के टॉप सॉन्ग्स का जय हिंद ट्विस्ट, जिसका केजरीवाल वर्जन आपने अभी भी देखा, पर राहुल मोदी मनमोहन की तर्ज आगे है। और है साल की बड़ी खबरों का राउंड अप, तेजपाल और आसाराम के सीक्रेट्स और लाती महाराज की 2014 के लिए महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां। कहीं मत जाइए, ब्रेक लगा रहा हूं। उन्होंने ऐसा चमत्कार कर दिखाया, सच कह रहा हूं, जिसे देखकर उनके सारे भक्तों ने अपने दांतों तले उंगली दबाई।